ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप सभी। और एंटिक फिटनेस इंडिया पर ना मैं आप सभी लोगों के लिए काफी सारी अपडेट्स लेकर आ चुका हूँ। और भाई आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अली बिलाल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इस समय अली बिलाल ना 6 to 7 days आउट है पिट्सबर्ग प्रो शो 2023 से। तो इससे रिलेटेड जो इनका करंट फिजिक अपडेट है ना वो सबसे पहले आप लोग इस वाली फोटो में देखिए। के अलावा दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा अली बिलाल इन डेंजर, तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि कुछ टाइम पहले ना हम सारे लोग ये वाली बात मान के बैठ गए थे कि जो पिट्सबर्ग प्रो शो का लाइनअप होगा मेंस फिजिक कैटेगरी के अंदर वो काफी ज्यादा इजी होगा और वहां पर ना अली बिलाल काफी आसानी से जीत भी जाएंगे। बट अब दोस्तों कुछ ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि एक बॉडी बिल्डर के पिट्सबर्ग प्रो शो में कम्पीट करने से वहां का जो मेंस फिजिक कैटेगरी का लाइनअप था ना वो अब काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है और अली बिलाल को भी इनको बीट करने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस इनका नाम है माउराइस और ये भी कम्पीट करने वाले हैं पिट्सबर्ग प्रो शो 2023 के अंदर। एंड अगर बात की जाए इनके फिजिक अपडेट के बारे में तो ये वाला जो वीडियो है ना वो दोस्तों इनका करंट फिजिक अपडेट है। बस इसके अंदर ना इन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ी बहुत टैनिंग लगा ली है जिससे कि इनकी बॉडी अभी से ही एकदम स्टेज रेडी वाली लगे। और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि क्या पिट्सबर्ग में अली बिलाल इनको हरा पाएंगे, इसके बारे में आप लोगों के जो भी ओपिनियंस हो आप लोग मेरे को एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए गाइस अब इसके बाद में हम भुवन चौहान की तरफ से आने वाले दो दो इंटरेस्टिंग फिजिक अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत हम करेंगे इस वाले फिजिक अपडेट के साथ में जिसमें कि आप लोग इनकी कंप्लीट जो मेंस फिजिक वाली बॉडी है ना उसको देख सकते हैं और करंट कंडीशनिंग इस वाले अपडेट में ना इनकी मच इम्प्रेसिव है। इसके अलावा दोस्तों भुवन की तरफ से जो इनका दूसरा अपडेट है ना वो आप लोग इस वाले वीडियो में देख सकते हैं जिसमें कि मेनली इनके लेग्स मसल्स का अपडेट है। और शायद से दोस्तों आप सभी को ना ये वाली बात याद होगी कि भाई एक बार भुवन चौहान ने ये बोला था कि वो एक बार क्लासिक कैटेगरी में भी कम्पीट करेंगे। तो उस हिसाब से दोस्तों भुवन चौहान ने अपनी लेग्स के अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट की है ना उसको देखकर तो मेरे को ऐसा लगता है कि भुवन काफी जल्दी क्लासिक कैटेगरी के अंदर ना कम्पीट कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में आप लोगों के भी क्या ओपिनियंस हैं आप लोग इसके बारे में ना मेरे को एक बारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है IFBB प्रो अरविंद स्पार्टिकस की तरफ से। तो रिसेंटली दोस्तों अरविंद स्पार्टिकस अपना ये वाला जो फोटो है ना वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं जिसमें कि बॉडी इनकी काफी ज्यादा ह्यूज और एकदम वेल कंडीशन नजर आती है। बट यहाँ पर दोस्तों मेरे को ना ऐसा लगता है कि ये वाला जो फोटो है ना वो अरविंद स्पार्टिकस की लास्ट प्रेप का फोटो है। और करंट अपडेट अगर हैवी है तो गाइस खुद अरविंद स्पार्टिकस ने ना कैप्शन के अंदर इस वाली चीज को ना यहाँ पर मेंशन नहीं किया। लेकिन इन सारी बातों के अलावा दोस्तों अरविंद स्पार्टिकस मेरे को ना इस वाले फोटो में काफी ज्यादा इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि ये सेरू क्लासिक प्रो शो में ना ऑन स्टेज एक बहुत ही अच्छा पैकेज लेकर आएंगे। हालांकि मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जब तक सुनील यादव इंडियन प्रो शो में कम्पीट करेंगे तब तक ना अरविंद स्पार्टिकस का सेरू क्लासिक प्रो शो और मुंबई प्रो शो को जीतना ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट इन दोनों में से आप सभी को कौन सा बॉडी बिल्डर ना ज्यादा अच्छा लगता है आप लोग मेरे को प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों अब इसके बाद हम अपने कुछ मेजर एथलीट्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा वरदान मल्होत्रा के साथ में। और अपने इस फिजिक अपडेट से दोस्तों वरदान मल्होत्रा ने ना पूरी फिटनेस इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं ना उन सभी को एकदम से शॉक करके रख दिया। आप लोग देखिए कि अभी से एक अच्छी कंडीशनिंग, एक अच्छा साइज, एक सेपरेशन जो होनी चाहिए बॉडी के अंदर वो और एक बहुत ही अच्छा पोजिंग फ्लो हमको ना इस वाले अपडेट में नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों वरदान मल्होत्रा का वी टेपर और इनकी ओवरऑल बॉडी की जो वाइडनेस है ना वो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगी सेरू क्लासिक के अंदर। और अभी तो इनके पास में ना पूरे पूरे 6.5 वीक्स हैं बट फिर भी आप लोग देखिए कंडीशनिंग इनकी कितनी ज्यादा इंप्रेसिव है इस समय और ऐसा लग रहा है भाई ये ना अपने पीक वीक में और एक या दो दिन के अंदर ही ये कम्पीट करने वाले हैं। बाकी इन सारी बातों के अलावा दोस्तों आप सभी को भी वरदान मल्होत्रा का जो करंट फिजिक अपडेट है ना वो कैसा लगा आप लोग हमको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारी अगली अपडेट आ रही है रोहित खत्री की तरफ से जिन्होंने कि अपना लगभग ये वाला जो 6 weeks आउट वाला फिजिक अपडेट है ना वो हम सभी लोगों के साथ में शेयर किया है। एंड इसके अलावा इस वाले अपडेट में ना रोहित खत्री हमको ये बताता है कि इस समय इनका जो बॉडी वेट है ना वो लगभग 90 kg के आसपास है। बट फिर भी दोस्तों आप लोग ये देखिए कि रोहित खत्री इस समय एक बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग यहाँ पर मेंटेन करे हुए है और इस बार ना रोहित खत्री से ये वाली उम्मीद की जा सकती है कि ये इस बार एक बहुत ही अच्छा पैकेज लेकर आएंगे सेरू क्लासिक के अंदर। बाकी इन्होंने ना अभी सिर्फ 3 से 4 बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ही खेली हैं तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो अभी ना मसल मैच्योरिटी के मामले में रोहित खत्री थोड़े से पीछे जरूर हैं।
बट ये ना इनके लिए एक माइनस पॉइंट नहीं बल्कि एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि अभी तो दोस्तों रोहित खत्री ने ना सिर्फ शुरू किया, यानी कि अभी के टाइम पर रोहित खत्री आगे चलकर और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आगे आने वाले 4 या 5 सालों में रोहित खत्री की जो बॉडी होगी ना दोस्तों वो एक अलग ही लेवल पर होगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में तो इतना ही रखते हैं। वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए या पुराने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।